कंपाउंड एक्स, 5H2 दिया हुआ है, इसका मतलब पांच पाई बॉन्ड रहे होंगे, पांच पाई बॉन्ड रहे होंगे तो पांच पाई बॉन्ड टूट के ये बना है। तो आ जाइए 1 2 3 4 5, पांच पाई बॉन्ड ठीक है, 1 2 3 4 5, पांच पाई बॉन्ड ठीक है, 1 2 3 4 गलत, क्लियरली गलत हो जाएगा। सी तो हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आप लगाइए, एलिमिनेट कर लीजिए अपने प्रोडक्ट, क्योंकि क्वेश्चन अगर बड़ा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5, इन तीनों में से कुछ हो सकता है। अब आ जाइए AgNO3 के साथ PPT, AgNO3 के साथ PPT कौन देता है, टर्मिनल एल्काइन, और सारे ही टर्मिनल हैं, क्लियर। तो अब आ जाइए आपके पास एक ही चीज बचती है O3, यहाँ पर लिखा नहीं है, ओजोनोलिसिस का ये प्रोडक्ट दिया हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाया हुआ है, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस से आप कंपाउंड की तरफ जा सकते हैं। तो ऑप्शन उठाइए और इस ऑप्शन का रिडक्टिव ओजोनोलिसिस कर दीजिए। कैसे करते हो आप, डबल बॉन्ड तोड़ के इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, जितने भी डबल बॉन्ड है पाई बॉन्ड है उनको ब्रेक कर लीजिए और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एसिड बना लेगा इधर इस वाले पार्ट से ट्रिपल बॉन्ड HCOH, और इधर वाले पार्ट से भी क्या बना लेगा, C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए मिलता जुलता ऑप्शन आपको मिलेगा ए, यहाँ पर O, यहाँ पर OCH2, ग्लाइऑक्सल बनाएगा, एक ग्लाइऑक्सल आपको मिला हुआ है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर डबल बॉन्ड और 5 पे एल्डिहाइड, ऐसा कुछ है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये एल्डिहाइड, इसके बगल में कीटोन, बाकी इधर भी क्या हो जाएगा एल्डिहाइड। तो ऑप्शन ए करेक्ट लग रहा है, तो आप ऑप्शन ए की तरफ जा सकते हैं। बाकी का आप ओजोनोलिसिस करवा के देखिएगा, यहां से सब ब्रेक करके देखिएगा क्या आपको प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, आई गेस समझ आ गया है, एक ही पार्ट से आप आंसर दे सकते हैं ओजोनोलिसिस।